दोस्तों आज हम शिवलहरा धाम आए हुए हैं पूजन के लिए। देखिए यहाँ का एक सुंदर नज़ारा। सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ता है नीचे। ये यहाँ की मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है पांडवों के ज़माने का। और ये यहाँ से नदी निकली हुई है। ये अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये यहाँ की प्राचीनतम मंदिर है। आ रही है पूजा करने के लिए। हाँ जी, राधे राधे। तब तक हम आपको दर्शन कराते हैं। शनि महाराज हैं। ये हमारे भोले बाबा। काफी प्राचीनतम मंदिर है दोस्तों, बहुत कुछ जर्जर भी हो गए हैं। भोलेनाथ की प्राचीनतम शिव मंदिर, काफी पुराना है ये मंदिर। यहाँ एक रूम टाइप में भी है जहाँ भी अंदर चलते हैं अपन। आपको कुछ दिखाई यहाँ दे रहा होगा जहाँ लोग पुष्प चढ़ाए हुए हैं, पूजा पाठ की हुई है। यहाँ का सुंदर नजारा। ये छोटी छोटी गुफाएं हैं दोस्तों। यहाँ ये छोटी छोटी गुफा है, इनके अंदर भी जो जगह है बैठने लायक। ये एक बड़ी सी गुफा है।
जहाँ लोग समय समय पे पिकनिक मनाने के लिए भी जो है तो आते हैं और यहाँ बैठ के ईटा का चूल्हा बना के जिसमें खाना भी पकाते हैं। ये लकड़ी वगैरह जो होती यहाँ पड़ी हुई है। बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही अच्छा जो होता लगता है दोस्तों। उधर भी एक मंदिर आपको दिख रही है जहाँ सिद्ध बाबा की मंदिर है, वहाँ भी लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। कुछ साधु लोग भी वहाँ जो है तो खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे भोले बाबा स्नान कर चुके हैं, चंदन बंदन लगा चुके हैं। ये यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं दोस्तों। हम पूजा पाठ करके घर की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। यहाँ भी गुफाएं हैं इस साइड। ये यहाँ ऊपर से ऐसा इसका यहाँ का नज़ारा दिखता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज मौसम खुला हुआ है, धूप किया हुआ है।